आज राहुल गांधी को मिला तीन मुख्यमंत्रियों का साथ। आज उनकी सजा पूरी तरीके से कोर्ट से निलंबित कर दी जाएगी। बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी के 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को यानी आज सूरत की अदालत में जाएंगे, वही पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी वाड्रा कांग्रेस सहित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य राज्य राष्ट्रीय नेता राज्य इकाइयों के नेता अदालत तक उनके साथ जा सकते हैं। गांधी के वकीलों ने कहा कि मामले की सोमवार को ही सत्र अदालत ने सुनवाई की खातिर लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सत्र अदालत से अपनी सजा निलंबित करने का आग्रह करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी दोपहर करीब 2 बजे सूरत पहुंचेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राज्य सदस्य केशु वेणुगोपाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता सूरत भी में होंगे। सूत्रों ने बताया कि गांधी के अदालत जाने के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शहर में मौजूद रहेंगे। जिस तरीके सूरत के मुख्यालय न्याय मजिस्ट्रेट HH वर्मा की अदालत में मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकाबले में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार दिया था, वहीं 2 साल के कारावास की भी सजा सुनाई थी। अदालत ने 52 वर्षीय राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि और 500 किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा सुनाई थी और वो सजा के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि अदालत ने गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील कर सके। वही सूरत की अदालत दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। तो इसी को लेकर आज राहुल गांधी सूरत जा रहे हैं और वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो भी सदस्यता थी और जो भी हमारी जमानत को लेकर कार्रवाई की गई थी वो सभी निलंबित कर दी जाए। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगले न्यूज़ के लिए।